आज हमें आपको लोबिया बनाना बताऊंगी, रेड बीन्स जिसे कहते हैं। तो इसको सुबह से मैंने भिगोया हुआ था और तकरीबन 5-6 घंटे हो गए, और ये पानी तकरीबन 2-3 लीटर पानी है और 3 पाव लोबिया है। 1 चम्मच नमक डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटा कुकर में। उबाल के फिर जो है मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है, मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, ये लोबिया हमारा उबल चुका था, तो अब जो है हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं। तो उसके लिए जो है हमें चाहिए ये प्याज 1 अदद, इसको बारीक मैंने चॉप कर लिए बिल्कुल बारीक, और ये टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन इनको भी मैंने चॉप कर लिए बारीक, और ये मसाले हैं हमारे पास। पहले मैंने 1 चम्मच नमक डाला था, अभी आधा चम्मच और नमक का डालूंगी, और ये 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, और ये सूखा धनिया कसूरी मेथी है 1/2 चम्मच, और ये 1/2 चम्मच हल्दी का। चलो शुरू करते हैं। आप ये 1 कप ऑयल ले लिया है, अब इसके अंदर ये प्याज ब्राउन करेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, घंटी को भी दबा दीजिएगा, उसको ज़रूर दबाया करें कि फिर आपके पास हर रोज़ मेरी रेसिपी आ जाए करें। जाइएगा कहीं नहीं है, मेरे साथ ही रहिएगा। ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसके हम ये टमाटरों का पेस्ट डालते हैं। ये टमाटर डाल दिए साथ, ये मसाले भी तकरीबन सारे डाल देंगे, अच्छी से इसकी ग्रेवी फ्राई हो जाए। इसमें जो है 2 सीक्रेट है, 2 आप मेरे साथ ही रहिएगा ताकि एस्केप ना हो आपके, तो बहुत अच्छी लोबिया की शक्ल होगी। देखिए कितनी प्यारी हमारी इसकी ग्रेवी की शक्ल है बुनी हुई, सारा कुछ बारीक बारीक की कोई चीज़ इसमें होती नहीं होती। देखा है कि अक्सर देखा है कि लोबियों में प्याज और टमाटर वो साबुत साबुत और अजीब सी उसकी शक्ल होती है, ऊपर ऑयल नहीं होता, तो वो अजीब सा लोबिया होता है। आज आप देखेंगे मैं आपको कितना प्यारा लोबिया तैयार करके दिखाऊंगी। ये इसमें ना थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी के जाएंगे, तो ये इससे ये है कि ऑयल हमारा अलग-अलग हो जाएगा, जो मैं आपको सीक्रेट बता रही थी ना वो अब आएगा। ये देखिए इसका ऑयल अलग-अलग हो गया पानी डालने से एकदम, तो ये अब हम उसको उतार लेंगे। ये हमारा पहला सीक्रेट है। उतार लिया ये लोबिया, अब डाल देते हैं। ये हमारा अब दूसरा सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने थोड़ा सा लोबिया लेके इसको चॉप कर लिया बारीक, मैश कर लिया इसको बिल्कुल। ये हमने इसके डालने से जो है ना ग्रेवी, ये इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी होती है और खाने में बहुत ही लजीज हो जाता है।
इसका पानी भी हमारे पास पड़ा हुआ है तो जितना हमें ज़रूरत होगा हम डाल देंगे। ये देखिए इसमें मैं ये डाल रही हूँ पानी। ये तकरीबन एक कटोरी हमने डाल दी है। इसको बस 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे तो उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए बस ये तैयार हो चुका है। 2-3 मिनट बस मैंने पानी के बाद इसको उतार लिया है। ये अभी फाइनल लुक नहीं है, मैं आपको फाइनल लुक अभी दिखाती हूँ। ये हमारा सीक्रेट है। ये देखिए ये अब इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। देखें इसकी कितनी प्यारी शक्ल है। ये देखें तैयार हो चुका है हमारा लोबिया, मज़ेदार लोबिया। ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।